हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 चालू करेंगे आज, जिसका नाम है रचनाएं। पिछले अध्याय में आकृतियां जो किसी प्रमेय को सिद्ध करने या प्रश्नों को हल करने में आवश्यक थी, वो यथार्थ नहीं थी। वे केवल आपको स्थिति का अनुभव कराने तथा सही तर्क देने की सहायता के लिए खींची गई, तथापि कभी शुद्ध आकृति की आवश्यकता होती थी। उदाहरण के लिए, किसी बनने वाले भवन को का मानचित्र बनाना, औजारों और मशीनों के विभिन्न भागों का खाका बनाना, सड़क का मानचित्र बनाना आदि। इन आकृतियों को बनाने के लिए कुछ आधारभूत ज्यामिति उपकरण की आवश्यकता होती है। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स अवश्य होगा, जिसमें निम्न उपकरण होते हैं। पहला आता है इसमें आशंकित पटरी, इसका नाम रूलर, इसके एक और सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर चिन्ह अंकित होते हैं, या इसकी दूसरी भाषा में इसको स्केल भी कहा जा सकता है, तथा दूसरी ओर इंच और उसके भाग चिन्हित होते हैं। दूसरा आता है सेट स्क्वायर का एक युग्म या पेयर, जिसमें एक के कोण 90 अंश, 60 अंश तथा 30 अंश तथा दूसरे के कोण 90, 45 तथा 45 अंश के होते हैं। तीसरा आता है डिवाइडर, जिससे दोनों भुजाओं में दो नुकीले सिरे होते हैं। इन भुजाओं को समायोजित किया जा सकता है, या इसको दूसरी भाषा में कहते हैं प्रकार, प्रकार जिसमें पेंसिल लगाने का विधान होता है। अगला आता है पॉइंट चांदा, चांदे से हम कोणों को जो है वो मेजर करते हैं। सामान्यतः एक ज्यामिति आकृति जैसे कि त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, बहुभुज आदि, जिनमें मापे लोगों को बनाने में इन सभी उपकरण की आवश्यकता होती है। परंतु ज्यामिति रचनाएं ज्यामिति आकृति बनाने की वह प्रक्रिया है, इसमें केवल दो उपकरण, एक आशंकनीय पटरी और एक प्रकार का प्रयोग होता है। उन रचनाओं में जिनकी माप भी दिए हों, आप आशंकित पटरी और चांदे का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में कुछ अद्भुत रचनाएं बताई जाएगी, उनका प्रयोग कर कुछ विशेष त्रिभुजों की रचना। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि चांदा और प्रकार और आशंकित पटरी क्या होती है। कुछ गणित के जो मैथ रूल्स होते हैं उसमें देखते हैं, जैसे है पहला है रूलर, ये देखते हैं। रूलर यानी आपका स्केल होता है, इसमें सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। देखते हैं आप, देखिए इसमें सेंटीमीटर 0 और 1 के बीच में 10 भाग होते हैं। चलिए 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके 7 सेंटीमीटर तक के जो है ये माप बताए हैं। उसके बाद 1 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में आपके 10 भाग कहलाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक भाग 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ओके, फिर 0.10, 0.10 मतलब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका जो दसवां भाग है वो 1 कहलाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार 1 और 2 के बीच में भी क्या होंगे, 10 भाग होंगे। तो ये हो गया आशंकित पटरी। अब हम ज्ञात करते हैं कि प्रकार क्या होता है। सेकंड आता है सेट स्क्वायर, देखिए इसको ये कहलाता है इसमें भी सेंटीमीटर और मिलीमीटर के चिन्ह होते हैं। तीसरा जो है मुख्य टूल कहलाता है,
हाँ, तीसरा आता है प्रकार। वो कहते हैं प्रोटेक्टर या चांदन। इससे हम विभिन्न कोणों की माप को ज्ञात करते हैं। इस चांदी में 0 से लेके 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये सारे इसमें कोण जो है वो अंकित रहते हैं। तो ये वो होगा जो दाएं से बाएं, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री शुरू करते हैं तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक ये इसमें जो है 180 तक चिन्ह रहते हैं, ठीक। तो इसको कहते हैं चांदा। इससे हम कोण, विभिन्न प्रकार के कोण की रचना कर सकते हैं, जैसे समबाहु कोण, समद्विबाहु और सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सारे। अब देखते हैं आधारभूत रचनाएं। कक्षा 8 में, कक्षा 6 में आपने अध्ययन किया था कि किस प्रकार एक वृत्त, एक रेखाखंड, एक लंब समद्विभाजक, 30 अंश, 45 अंश, 60, 90 और 120 के कोण तथा एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना की जाती है, परंतु रचनाओं के लिए उचित कारण नहीं बताए गए। इस अनुच्छेद में आप में से कुछ की रचनाएं कारण बताते हुए कि क्यों रचना है एक दिए कोण के समद्विभाजक की रचना करना, ठीक। माना कोई एक कोण है एबीसी दिया है, हम इसके समद्विभाजक की रचना करना चाहते हैं। रचना के चरण, सबसे पहले बी को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, ये देखिए पहला है एक बी और सी, कोई एक रेखा खींची हमने, माना ये 5 सेंटीमीटर रेखा खींची, ठीक है। अब इसको केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप, चाप इस प्रकार का होता है, आप ऐसा और ये प्रकार उठाएंगे इसमें से, उसके बाद इसको बताएंगे। देखिए इस प्रकार, प्रकार की नोक को रखकर इस प्रकार आपको एक चाप करना, जो किरण बी ए वो क्रमशः मान लीजिए ई और डी पर काम करती है, ठीक है। ये बिंदु बी से लेके बिंदु ए तक इस प्रकार खींचेंगे हम, ये ए बिंदु कहलाएगा और इसका जो नाम देंगे डी और ई, जिस बल बिंदु को काट रही है वो डी और ई होगा, प्रतिच्छेद करता है। देखिए पुनः डी और ई को केंद्र मानकर तथा 1/2 डी ई, मतलब डी ई से बड़ी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाना। देखिए यहाँ पे आप डी और ई ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें फिर से इस डी को केंद्र में फिर से त्रिज्या करना है और ई को केंद्र मानकर फिर से त्रिज्या का चाप लगाना, ठीक। इसी प्रकार ई बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप और लगाना है यहाँ पे और दूसरा चाप ये लगाना है। एक माना एक कटन बिंदु एफ मिलता है, ठीक, जो एफ पर प्रतिच्छेद करता है। किरण बी एफ खींचिए, बी से एफ तक एक हमको नैन खींचनी है। देखिए आगे जी, यही किरण बी एफ कोण एबीसी का अभीष्ट संधिभाजक है, मतलब जो जितने अंश का कोण है उसका आधा होगा। संधिभाजक का मतलब होता है दोनों जो है कोण का विभाजन करना। यहाँ एक दिए रेखाखंड के लंब संधिभाजक की रचना, एक रेखाखंड ए भी दिया है, हम इसके लंब संधिभाजक की रचना करना चाहते हैं। रचना के चरण, ए और बी को केंद्र मानकर तथा हाफ ए बी से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड ए बी के दोनों ओर एक चाप लगाएंगे। सेकंड, मान लीजिए कि ये चाप एक दूसरे को पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं, पी क्यू को मिलाएंगे। थर्ड, मान लीजिए पी क्यू ए बी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब रेखा पी एम क्यू ए बी का अभी लंब संधिभाजक होगा। आइए हम देखें कि यह विधि किस प्रकार ए बी का लंब संधिभाजक देती है। ए और बी को पी और क्यू से मिलाइए, जिसमें ए पी ए क्यू बी पी तथा बी क्यू प्राप्त होते हैं। आगे दो त्रिभुज में जो है डिवाइड हो गए हैं पी ए क्यू तथा पी बी क्यू। नेक्स्ट रचना, दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु 60 इंच के कोण की
रचना करनी। चलिए कोई भी एक ए बी कोई भी रेखा ले लेते हैं। देखिए ये भी एक रेखा ले ली ए और बी, ठीक। माना कि ये 4 सेंटीमीटर इसकी नाप है। अब ए को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचना है जो ए बी को मान लीजिए बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक। यहां से एक जो है चाप खींचना है ये बिंदु डी पर पड़ता है। सेकंड, डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से जो पहले ली गई थी एक चाप खींचिए जो ई पर प्रतिच्छेद करता है। इस डी बिंदु से क्या करना है, फिर से कट करना है जो ई पर क्या करेगा, इसको प्रतिच्छेद करता है। ई से जाने वाली किरण एसी खींचिए, देखिए आकृति। अब ए और ई इस प्रकार की किरण खींचेंगे, ये कहलाएगी ए सी। जाने वाली किरण ऐसे खींची तब सी ए बी 60 इंच का अभिष्ट कोण कहलाएगा। हमने आपको बताया था कि 4 सेंटीमीटर ए बी रेखा खींचना है, यहाँ एक चाप डी लगाना है और इसी ए से डी तक का जितना आपने चाप लगा उतना यहाँ डी से ई तक के लिए एक चाप लगाना है, ठीक। इसको पॉइंट आउट करके ये एक सी जो है ए सी एक किरण खींची। अब ये जो कोण बना है सी ए बी क्या लिखेंगे, सी ए बी ये क्या है बराबर 60 इंच का क्या है ये अभीष्ट कोण। अब आइए देखें कि ये विधि कैसे 60 इंच का कोण देती है। डीई को मिलाएंगे, होमवर्क आशंकित पटरी किसे कहते हैं, डेविडेंट किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, दिए कोण के समद्विभाजक की रचना लिखिए। एक दिए हुए रेखाखंड के समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो आपने देखा कि 60 इंच का कोण जो है वो कैसे बनता है। इसमें हमने जो जो चीजें उपयोग की थी वो थी आशंकित पटरी, कोण और चाप, ठीक है। तो एक होमवर्क दे रही हूँ कि 60 इंच का कोण बनाइए 5 सेंटीमीटर रेखा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।